नमस्कार दोस्तों, आप सबको स्वागत है इस नया वीडियो में। आप सबको मालूम है कि घर का खाना जो है अच्छा होता है, स्वादिष्ट होता है और फ्रेश होता है, लेकिन स्पेशली जो फॉरेन कंट्रीज में काम करते हैं उनके पास इतना समय नहीं होता है कि घर में जाके खाना बनाए, फ्रेश वेजिटेबल्स लेके आए मार्केट से और बनाए। तो वो लोग जो है रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं। रेस्टोरेंट का खाना भी फ्रेश ही होता है लेकिन घर का जैसा नहीं होता है, क्योंकि आजकल तो फ्रोजन फूड का चलन है और फ्रोजन फूड ही यूज़ करके बना के देते हैं। लेकिन कभी कभी खाना कोई बुरी बात नहीं है, खा सकते हैं रेस्टोरेंट के खाना भी। और आज हम लोग सुपरमार्केट गए थे और कुछ रेडी टू ईट फूड लेके आए हैं। अगर आपको किसी दिन घर का खाना बनाने का टाइम नहीं मिलता है या कुछ बीमार हो जाते हैं, तो वो समय आप ऐसे जो फ्रोजन फूड है लेके घर में फटाफट बना के आप खा सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके जो मैंने फ्रोजन फूड सुपरमार्केट से लेके आया है। चलिए शुरू करते हैं। यूजुअली हम लोग फ्रोजन फूड खाते नहीं हैं, लेकिन सुपरमार्केट में हमने देखा ये वेजी बर्गर, तो ट्राई करने के लिए लेके आया है। इसमें 4 पीस हैं और इसका 12 दिरहम है। अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो लगभग 265 रुपीस होता है। तो ये मेड इन यूएई है, तो आज इसको हम लोग ट्राई करेंगे। इसको फ्राई करना पड़ेगा 2 to 3 minutes। ये फ्रोजन था, ये चिलर में था ना, ये हार्ड था, तो अभी इसको थोड़ा बाहर रख लिया ना हम लोगों ने, तो सॉफ्ट हुआ है। अभी इसको फ्राई कर सकते हैं। 2 पीस करेंगे। हाँ, अभी के लिए हम लोग 2 पीस निकालते हैं और बाकी को फिर फ्रीज में डाल देते हैं, स्टोर कर देते हैं। अभी इस बर्गर को 2-3 मिनट के लिए डीप फ्राई करते हैं। बहुत ही इजी है बनाने के लिए। घर में सामान ले आओ, इंग्रेडिएंट जमा करो, उसका झंझट ही नहीं है, है ना? वेजी बर्गर रेडीमेड लेके आ जाओ, उसके बाद में 2-3 मिनट के लिए इसे फ्राई करो और निकाल के बन में डाल के फिर खा सकते हैं। सलाद के साथ वेजी बर्गर के लिए हम लोग ने बन भी लेके आया है। ये आप देख सकते हैं, ये रेडीमेड है। और हम लोग ने कुछ यहाँ पे सलाद के लिए टोमेटो, कुकुम्बर, कैरेट, चीज़, ओनियन रेडी करके रखा है हम लोग ने, तो अभी इसको लगा के खाएंगे। अभी बर्गर बनाते हैं, बन लेते हैं। ये रेडीमेड बन है और एक लेटस लीफ ये रख देते हैं, उसके बाद में चीज यहाँ ऊपर से। वो सैंडविच चीज लाना ही भूल गया, तो इसलिए मैंने ये जो चीज था चेडर चीज वही कट करके, और ये शिकर के डाल देते हैं। और 2 पीस प्याज डाल सकते हैं ऐसे करके, और कैरेट ये साइड में डाल देते हैं, और एक कुकुम्बर यहाँ पे, और फिर ये जो आपका मेन बर्गर ऐसे करके डाल दिया ऊपर से, फिर से आप ऐसे करके लीव्स डाल दीजिए। टमाटर और एक नहीं चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से हो जाएगा। सॉस नहीं चाहिए ना? नहीं, ऐसे खाएंगे। अब देखिए ये बर्गर रेडी हो चुका है। अब इसको खाएंगे, देखिए फटाफट हो गया। अरे ये प्याज गिर गया, ऐसे करके डाल सकते हैं। अभी खाते हैं। ये बर्गर रेडी है, देख सकते हैं आप। और इसको ये देखो कितना फटाफट बन गया है ना। अभी देखता हूँ टेस्ट कैसा है।
रेस्टोरेंट में जैसा मिलता है ना वैसे सेम वैसा हो गया। वेजी बर्गर घर में भी बना के फटाफट खा सकता है। देखो नहीं वो बर्गर का टेस्ट कैसा है। अच्छा है वेजी बर्गर है ना, बहुत ही टेस्टी है। उसमें कॉलीफ्लावर पोटैटो सब कुछ डाला हुआ है। रेस्टोरेंट में जाके खाने का जरूरत ही नहीं, घर में लेके शायद रेस्टोरेंट में भी वही बना के चिलर में फ्रोजन में स्टोर करता होगा और जब चाहिए वो निकाल के है ना। वही फ्रोजन फूड ही है रेस्टोरेंट में भी वो। इसमें फ्रेश क्या चीज है, वही सलाद वही तो है। टमाटर पत्ता पत्ती टेस्टी है। अब इसके बाद दूसरा आइटम, अभी पराठा, आलू पराठा लेके आए तो वो आलू पराठा दिखाते हैं अभी फिर आपको। उसमें केचप भी डाल के खा सकते हैं ना। अच्छा है, टेस्ट भी अच्छा है, ये ट्राई कर सकते हैं घर में। आज का हमारा सेकेंड प्रोडक्ट ये है आलू पराठा, इसका भी 4 पीस है इसके अंदर और इसका प्राइस है 9 dirham, अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो 198 रुपीस होता है। और इसका ये जो यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स होता है यहाँ की सुपर मार्केट में, एक खास बात क्या है कि यहाँ पे प्राइस नहीं लिखा होता है। हाँ। कोई भी प्रोडक्ट्स में कुछ भी लो, अभी सपोज ये एक पैकेट हमने कुछ लिया मार्केट से तो यहाँ पे नीचे MRP बोल के लिखा होता है, प्राइस दिया होता है ना, लेकिन यहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट्स में प्राइस ऐसे नहीं देखा नहीं लिखा होता है। बट कंपलसरी क्या होता है यहाँ पे प्रोडक्शन और एक्सपायरी होना जरूरी होता है। वो एकदम कंपलसरी है, खाली प्रोडक्शन है तो वो एक्सपायरी नहीं है तो वो प्रोडक्ट रिजेक्ट होगा, मार्केट्स में नहीं रख सकते, लाइक बिक्री नहीं कर सकते। यहाँ पे दुबई म्युनिसिपैलिटी स्ट्रिक्ट है ना, अगर प्रोडक्शन डेट एक्सपायरी डेट मेंशन नहीं है तो वो आप शेल्फ में सेल करने के लिए रख नहीं सकते। और जो प्राइस होता है वो शेल्फ में ही लिखा होता है प्रोडक्ट के ठीक नीचे, है ना। तो चलिए अभी इसको भी काट के बना के देखते हैं कैसा है इसका टेस्ट। और इसको भी हम लोग को तावा निकाल के, ये फ्रोजन में आता है तो थोड़ा साइड में रख के थॉ करके उसके बाद थोड़ा नरम हो जाएगा तो कट खोल के तावा में सेकना है। माइक्रोवेव कर सकता है क्या, इसमें मेंशन नहीं किया ना माइक्रोवेव। नहीं, नहीं, इसको आपको तावा में कुक करना पड़ेगा। एक बार हम लोग माइक्रोवेव का भी दिखाएंगे, बनाएंगे वीडियो। और ये चक्की फ्रेश आटा से बनाया हुआ है, लिखा है उधर 100% चक्की फ्रेश आटा। ये ऐसा होता है, अभी इसको तावा में कुक करेंगे। इसको सुबह निकाल के रखा ना तो इसलिए ये ज्यादा नरम हो गया। एक साइड सेकेंगे फिर दूसरे साइड। अब इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डाल देंगे। घर में बनाया हुआ पराठा जैसा लग रहा है। अगर घर में बनाना होता तो आलू प्याज 1000 किस्म का काटो बनाओ। 1000 किस्म का नहीं, मेहनत लगता ना आपको। आलू आलू लेके आना है, उसको उमालना है। 1000 किस्म का पराठा कैसा होगा नहीं, प्रोसेस बता रहा हूँ मैं।
लंबा होगा। लेकिन अभी ये फ्रोजन वाला तो सीधा उठा के लेके आओ और तावर में। लेकिन हम लोगों ने कभी भी ट्राई नहीं किया है ना, ये फर्स्ट टाइम आलू पराठा नहीं ट्राई किया है, फर्स्ट टाइम हम लोग खा रहे हैं ये। मैंने वो लच्छा पराठा है ना प्लेन, वो वाला ट्राई किया है। आप लोगों को दिखाने के लिए खा रहे हैं हम लोग, हम लोग रेगुलरली खाते नहीं है। आप लोग भी कभी कभी ऐसे फ्रोजन आइटम लेके खा सकते हैं। अभी रेडी टू ईट फूड बहुत सारे अवेलेबल है। आने वाले वीडियो में हम लोग और दूसरा आइटम भी दिखाएंगे इंडियन फूड। अभी तो बहुत सारे पनीर का सब्जी हो गया है ना, इवन कुक किया हुआ राइस भी अवेलेबल है। मैंने कहीं तो देखा था, एक दिन अगर वो मिलता है तो वो भी आपको बना के वो बड़ा वाला सुपरमार्केट में मिलता है, हाइपरमार्केट में। अभी ये रेडी हो गया जैसा है और इसको भी अभी टेस्ट करके देखते हैं। ये आ गया आलू पराठा। सॉस चाहिए ना, चिल्ली सॉस चाहिए, दूसरा चटनी वटनी तो बनाया नहीं है, सॉस में थोड़ा वो करके खाना। अभी आलू पराठा खा के टेस्ट करते हैं। ये देख सकते हैं ऐसे फ्रोजन आलू पराठा, इसको आप सॉस के साथ भी खा सकते हैं। देखते हैं टेस्ट कैसा है। कैसा? मुझे तो अच्छा लगा। फ्रेश जो घर में बनता है ना वैसा है या कैसा है? फ्रेश का जैसा टेस्ट नहीं है लेकिन है, अच्छा है टेस्ट वाइज, अच्छा है। लेकिन फ्रेश जैसा मुझे नहीं लगा, जैसा आलू का पराठा हम लोग फ्रेश बना के खाते हैं ना वैसा टेस्ट नहीं है, लेकिन खा सकते हैं ये, तो वन टाइम खा सकते हैं। दैट मींस अच्छा नहीं लगा टेस्ट। ये खोल के दिखाओ ना इसका कंटेंट्स अंदर का, ऐसे 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 खोल के दिखाओ, खोल के पूरा खोल के दिखा ना, क्यों कर दिया ऐसा ना, ज्यादा नहीं दिख रहा है तो है ना। ये घर में तो मोटा होता है ना, हम लोग मोटा करके बनाते हैं, लेकिन अभी ये तो पतला करके बनाया है, लेकिन ठीक है, अच्छा ही है। कभी कभी अगर दिल करे आलू पराठा खाने का तो आप ऐसे टाइम नहीं है, अगर टाइम नहीं है तो ऐसे भी फ्रोजन भी खा सकते हैं। लाके फटाफट तावा में डालो, टाइम है तो घर में बना के खाओ। लेकिन जैसे दुबई में हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, कभी कभी काम की वजह से बिजी होना पड़ता है, तो आप वो टाइम में ऐसे लेके खा सकते हैं, है ना, अच्छा होता है ये भी। ज्यादा नहीं खाना चाहिए है ना, भूख मिट सकता है। हाँ कभी कभी ठीक है, कभी कभी तो हम लोग रेस्टोरेंट में भी जाके खाते हैं ना। लेकिन रेस्टोरेंट में तो फ्रेश ही बनाता है मोस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट्स में शायद, लेकिन अभी तो मालूम नहीं है, रेस्टोरेंट वाले लोग भी ऐसे फ्रोजन भी तो यूज कर सकता है ना, होगा उसके बाद। अभी तो हर एक चीज रेडीमेड मिलता है ना, रेडी टू ईट, रेडी टू ईट। ओके अब मैं भी बना के खाऊंगी एक। मुझे तो अच्छा लगा। आज का ये थर्ड आइटम और आखिरी आइटम भी है, आज हमारे पास में तीन आइटम खाली है, और ये है सिंगड़ा। हम लोग बंगाल में सिंगड़ा बोलते हैं और इंडिया में बहुत सारे जगह में समोसा बोलते हैं। ये बांग्लादेश में बन के आया हुआ है यहाँ पे, तो ये वेजिटेबल सिंगड़ा है और एक पैकेट में 10 पीस है यहाँ पे लिखा है आगे। हाँ 10 पीस है, वेजिटेबल लिखा है, लेकिन आलू हमारे इधर तो ज्यादा आलू होता है, आलू होता है, लेकिन अभी इसमें देखते हैं कि क्या क्या इसमें डाला हुआ है, मोस्टली वेजिटेबल्स ही है इसमें। इसका प्राइस है 5.50 दिरहम
अगर इसको रुपीस में कन्वर्ट करें तो रुपीस 121 रुपीस है, 121 सस्ता है ना प्राइस वाइज। तो अभी देखते हैं टेस्ट कैसा है, तो इसको भी डीप फ्राई करना पड़ेगा। छोटा मिनी समोसा है, ये छोटा है, छोटा है, छोटा है। नहीं मिनी भी नहीं है, लेकिन जो नॉर्मल होता है ना रेगुलर समोसा का साइज से छोटा ही है। अभी फ्राई करने के बाद में कितना फूलता है देखना पड़ेगा ना। पैकिंग तो अच्छा है, है ना। दो चार पीस ये देखो, अभी कच्चे में तो ऐसा लगता है, अभी ये फ्राई करने के बाद कैसा होता है देखते हैं, है ना। दो तीन मिनट तक फ्राई कर सकते हैं इसको। सिंगड़ा दो दो पीस फ्राई करते हैं, चार पीस ज्यादा खा नहीं सकेगा, लेकिन इसका एक्सपायरी है ये 23 अप्रैल तक का, तो उस वक्त तक इसको खत्म करना है। हाँ, आप एक्सपायरी डेट जरूर देखें, क्योंकि उसके हिसाब से हमको प्रिपेयर करके खाना है, क्योंकि ये फ्रोजन फूड है ना, आपको एक्सपायरी डेट जरूर देखना चाहिए। ये सब एक्चुअली बासी खाना है। हाँ, लेकिन विदेशों में जो रहते हैं मोस्टली रेडी टू ईट फूड ही होता है ना, बहुत लोगों के पास में तो टाइम ही नहीं होता है बना के खाने के लिए, तो ऐसी चीज़ें खा सकते हैं, महीने में एक बार, दो महीने में एक बार, कभी कभी खा सकते हैं। बचा हुआ आप जरूर फ्रिज पे रखिए, नहीं तो वो फिर खराब हो जाएगा। खाते हैं ये जो स्पेशली पराठा रोटी होता है ना, चपाती। रेस्टोरेंट में भी मुझे लगता है आजकल मोस्टली ऐसे फ्रोजन फूड ही अवेलेबल रहता है, हमको लगता है कि वो फ्रेश बना के दे रहा है, लेकिन ऐसे ही फ्रोजन फूड ही होता होगा। चलिए अब इसको पकने देते हैं, उसके बाद फिर टेस्ट करते हैं। ये आ गया समोसा, ज़्यादा फ्राई हो गया क्या? नहीं, वो फ्रोजन है ना, ठंडा है, तो आग में जाते ही वो ब्राउन हो जाता है, जल्दी ब्राउन हो जाता है। ठीक है, अभी टेस्ट करते हैं कैसा है टेस्ट। सॉस डाल दो, ज़्यादा गर्म हो गया। हाँ, कैसा है देखो। वही है, आलू और मटर, मीन मटर और गाजर जैसे भी दिख रहा है, गाजर भी दिख रहा है, और अभी मैं खा के देखता हूँ कैसा है सॉस के साथ। फ्रेश ऐसे नहीं होता होगा, है ना, क्योंकि वो कवर भी हार्ड है, क्योंकि फ्रोजन है ना ये, उसको सॉफ्ट करके बाहर रख के ही फ्राई किया, लेकिन फिर भी वो हार्ड ही है, हार्ड है, फ्रेश ऐसा नहीं है। फ्रेश जो समोसा खाते हैं ना हम लोग, वैसा नहीं है। टेस्ट कैसा? वैसे ही ठीक है, टेस्ट बुरा नहीं है। हम लोग का जो इंडिया में बना के खाते हैं ना, वैसा जैसा टेस्ट नहीं है। इंडिया का तो खाते ही बहुत टेस्ट होता है ना, ये ठीक ठाक है। नहीं, ये फ्रोजन है ना इसलिए। समोसा पार्टीज के लिए ठीक है, जो पार्टी होते हैं ना, जो हम लोग बना के खाते हैं ना, सेम वैसा ही बना के खाओ तो अच्छा है। फ्रोजन समोसा इतना अच्छा नहीं लगा मुझे, लेकिन कभी कभी खा सकते हैं, कोई बात नहीं है। ओकेजनली पार्टीज में या ज्यादा गेस्ट आ गए तो फटाफट एक आइटम है ना स्नैक्स के लिए, वो हो सकता है।
अभी और एक लास्ट आइटम है, डेजर्ट। ये क्या है जी? ये आइसक्रीम कोन्स है। तो लास्ट में हमारा डेजर्ट है ना? ये दो फ्लेवर लाया है। ये कौन सा फ्लेवर है? ये है चॉकलेट हेजलनट। हाँ, और ये वाला है प्रलाइंस एंड क्रीम। दोनों हाफ हाफ टीस करेंगे। और ऐसे है अंदर, ऐसे है। इसको कैसे खोलना है? वो दूसरा कैसा है देखो, ऐसे यहाँ से खोलना है, जिसको ऐसे करके टेढ़ करना है, यहाँ पे रखो, इसके बाद ये ढक्कन निकालना है। इसका प्राइस कितना था मालूम है? कितना था? 7 dirham एक पीस का। ये महंगा है। महंगा है यार। कैसा? ओह, कोन आइसक्रीम विद हेजलनट। ये ऊपर ऊपर जो है ना, ये हेजलनट है देखो। और अंजी, आज हम लोगों ने 3 आइटम टेस्ट किया, कौन सा अच्छा लगा उसमें से? सबसे बेस्ट कंपैरेटिवली बर्गर था, वो बर्गर पैटीज था। क्योंकि वो फ्रेश हुआ, क्योंकि उसमें हम लोग बन भी फ्रेश था, उसके बाद जो भी सलाद डाले वहां पे सब फ्रेश था। खाली जो फ्राई किया हुआ था बर्गर पैटीज था, तो वो अच्छा था, टेस्ट भी अच्छा था उसका। और पराठा मीडियम था, ठीक ठाक। आलू थोड़ा कम था अंदर, स्टफिंग पतला था, आलू आलू का स्टफिंग उसके। और लास्ट का जो था समोसा वो तो उसको बहुत धीरे से पकाना पड़ेगा, क्योंकि ना वो अंदर से अच्छी तरह से पका नहीं था। लास्ट में देखा ना मैंने, अंदर का जो मैदा था वो पका नहीं था, वो कच्चा ही था। उससे अच्छा तो फ्रेश ही खाना अच्छा है। मुझे भी सबसे अच्छा वही बर्गर लगा। वो खा सकते हैं है ना? कभी कभी रेडी टू ईट फूड जस्ट लेके फ्राई करके बन और कुछ सलाद है ना डाल के वो खा सकता है। पराठा भी ओके है, वो भी खा सकता है कभी कभी, लेकिन समोसा जो है वो तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। हाँ, क्योंकि तो, मुझे अच्छा नहीं लगा वो, इमरजेंसी स्नैक्स है। हाँ, अचानक कोई गेस्ट आ गया तो हाँ बना के खा सकता है वो। अचानक गेस्ट आ गया तो सुपरमार्केट से मंगवा के उसको फ्राई करके तल के खा सकते हैं, बट गेस्ट के लिए भी वो उतना अच्छा नहीं है। बट आई थिंक पार्टीज में चलेगा वो, है ना, जहाँ ज्यादा लोग होता है और बहुत सारा डिफरेंट स्नैक्स भी होता है वहाँ पे पार्टी में, तो वो भी साइड में रखने से उतना पता नहीं चलेगा। लेकिन खाली वो खाने से तो कोई भी सेटिस्फाई नहीं होगा, वो सिंगड़ा खाया जैसा, समोसा खाया जैसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आजकल मुझे लगता है बहुत सारे रेस्टोरेंट हो गया, पार्टी में ऐसी चीजें चलते हैं, है ना, बनाने के लिए भी इजी, खरीदो, कुछ झंझट ही नहीं है। सिर्फ घर में लाके उसको कुक करना है या फ्राई करना है और सर्व करना है। और बर्गर पैटीज जो है ना, हमें वो डीप फ्राई भी करना है जरूरत नहीं लग रहा था मुझे। उसको तावा में पैन में थोड़ा थोड़ा सा तेल डाल के सेक लो, ऊपर नीचे करके सेक लो, उससे भी वो चलता है। वो डीप फ्राई भी नहीं करना पड़ेगा उसको। लेकिन बर्गर पैटीज को एक्चुअली डीप फ्राई तो करता है। दोस्तों, आज का ये वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी ऐसे ही और जो सुपरमार्केट में अवेलेबल है रेडी टू ईट फूड उसको लेके आएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। प्लीज़ लाइक, कमेंट,
share and subscribe the channel. Thank you very much for watching. Thank you for watching.